हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं आइशर मोटर्स के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं दिसंबर 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ भी ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो वो स्टार्ट कर पाओगे। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले आयशा मोटर्स में। यहाँ पे फ्राइडे के दिन जो है वो क्या हुआ, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन स्टॉक में हमें 3.07% का एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है। क्लोजिंग यहाँ पे हुए 33.31.85 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली, उस बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पे हम कल के लिए क्या होने वाला, मतलब मंडे के लिए क्या होने वाला, उस बारे में हम बात नहीं करने वाले, क्योंकि हम जो है स्टॉक का दिसंबर मतलब मंथली का एनालाइज करें तो सीधा हम बात करेंगे इस मंथ में जो है हमें क्या देखने जो है मिलने वाला है, किस रेंज में स्टॉक जो है आते हुए देखने मिलेगा, किस साइड में जो है हमें मूवमेंट जो है आते हुए देखने मिल सकता है, उस बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल हम देखते हैं लास्ट मंथ स्टॉक ने किस तरह से जो है पहले परफॉर्मेंस जो है वो दिखाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट वन मंथ में स्टॉक 13.45% का जो नेगेटिव साइड में जो है एक लास्ट वन मंथ से जो है नेगेटिव परफॉर्मेंस रहा है। और टेक्निकल्स की बात करें तो यहाँ पे जरूर सेलिंग का जो है टेक्निकल इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन याद रखना हम सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स पे जो है यहाँ पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, कई और फैक्टर्स है उससे भी हम जरूर देखेंगे। तो यहाँ पे चलिए मंथली के चार्ट में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कैंडल और वॉल्यूम किस तरह से हमारा लास्ट मंथ का जो है वो बना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा जो है दिसंबर मंथ का है, तो ये हमारा नवंबर मंथ का है। नवंबर मंथ में जो है आप देख सकते हैं स्टॉक जो है यहाँ पे अच्छा खासा जो है वॉल्यूम जो है एवरेज सा जरूर देखने मिला था। कैंडल जरूर मीडियम टू लार्ज साइज के, मैंने नीचे के साइड में छोटी सी एक तरह से विक भी जो है हमें देखने मिल रही है। बाकी यहाँ पे अगर हम आरएसआई की करंटली अभी बात करें तो 60 के आसपास आरएसआई आ चुका है, जो हमें जरूर एक नेगेटिव मोमेंट का इशारा देता है। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कई और सारे फैक्टर्स है, करंटली हम जो है सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे बात कर रहे हैं, फंडामेंटल और यहाँ पे जो है न्यूज के बेसिस पे कोई भी जो हम यहाँ पे बात नहीं करने वाले। तो करंटली टेक्निकल जरूर हमें नेगेटिव मूवमेंट का जो इशारा दे रहा है, लेकिन हम कई और सारे फैक्टर्स है उसे भी हमें कंसीडर करना चाहिए जब हम यहाँ पे स्टॉक में ट्रेड ले तब। तो फिलहाल यहाँ पे हम जो है आने वाले दिनों में थोड़ा सा जो है आपको यहाँ पे बात करते हैं। पहला वन डे का चार्ट में हम ओपन करके बात करते हैं। तो वन डे का चार्ट पे अगर मैं बात करूँ तो वॉल्यूम आप देख सकते हैं ज्यादा देखने मिला, कैंडल भी एक मीडियम साइज की और बारीक से वीक नीचे हमें देखने मिल रही है। करेंटली स्टॉक में ट्रेंड जो है वो डेली के बेसिस पे नेगेटिव हो चुका है। इसका मतलब स्टॉक हमें आने वाले दिनों में गिरते हुए जरूर जो देखने मिलने वाला। स्टॉक हमें गिरते हुए यहाँ पे कहाँ पे देखने मिला उस बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। 30-44 के आसपास सबसे पहले गिरते हुए देखने मिला और उसको क्रॉस करते हुए गया तो स्टॉक में डाउनसाइड जो 31-45 के आसपास आते हुए देखने जरूर मिलेगी। तो जरूर जब इस चीज को ध्यान में रखते हुए चले यहाँ पे मूवमेंट जो हमें थोड़ा सा नेगेटिव साइड में जो आते हुए देखने मिलेगा आने वाले दिनों में। बाकी यहाँ पे आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई जो है लेवल्स अगर आपको चाहिए तो मैं आपको कहूंगा कि स्टॉक जो है कभी भी आपको 3000 के आसपास जो आते हुए देखने मिले जरूर आप वहाँ पे बाइंग करें। वहाँ पे लॉन्ग टर्म वाइज आपका पहले तो एक अगर आप ऑलरेडी होल्ड करें तो आपका एवरेज प्राइस जो है बढ़िया हो जाएगा। अगर यहाँ पे न्यू आपको जो पोजीशन बनानी तो भी यहाँ पे जो है बढ़िया होगा इस रेंज में जो है प्राइस का, क्योंकि वहां से जो आपको अपसाइड मूव जो है जरूर देखने मिल जाएगा। अगर यहाँ पे ना भी मिले तो भी आप 100% अपना कैपिटल ना डाले, याद रखना कभी भी स्टॉक नीचे आए तो यहाँ पे जो 25% करते ही जो अपना यहाँ पे एलोकेशन करना है। भले ही आपके पास समझ लो 100 रुपए हो तो यहाँ पे 25 रुपीज ही जो सबसे पहले डाले, फिर कभी भी 5-10% का डाउनसाइड मूव है तभी आप यहाँ पे वापस से जो 25% या फिर 50% जो है वो और ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे ओवरऑल जो है आपका एवरेज प्राइस भी अच्छा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे लॉन्ग टर्म में भी आपको जो है एक बेनिफिट होगा। बाकी यहाँ पे अब हम बात करते हैं सीधा वीकली के चार्ट पे हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस क्या देखने मिलने वाले हैं और मंथ के बेसिस पे जो किस रेंज में हमें स्टॉक जो क्लोज होते हुए देखने वाला है उस बारे में हम जरूर जो यहाँ पे बात करेंगे। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स जो एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं 1 वीक के चार्ट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस में मार्क करता हूँ सबसे पहले, और फिर यहाँ पे मैं बात करूंगा किस तरह का हमें मूवमेंट जो है एक्सपेक्टेड है दिसंबर के मंथ में। तो जिस तरह से मैं फिलहाल मार्किंग कर रहा हूँ मैं चाहूंगा आप भी जो सेम टू सेम अपने चार्ट पे जो मार्किंग्स कर ले, क्योंकि ये मार्किंग जो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगी अपना टारगेट
और स्टॉप लॉस को जो खास करके मेंटेन करने में, तो जरूर जो है यहाँ पे सेम टू सेम अपने चार्ट पे मार्किंग कर ले, या फिर इन मार्किंग्स को जो जरूर अपने ध्यान में रखें, ताकि यहाँ पे आप जो है दिसंबर के मंथ में अपना एक अच्छी तरह से जो है प्रॉफिटेबल जो है ट्रेड ले सके। तो यहाँ पे हमारी मार्किंग जो कंप्लीट हो चुकी है, मैं थोड़ा सा जूम कर ले ताकि हमें दोनों साइड में जो डेटा देखने मिले, जो मंथली के बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे 33-31 के आसपास क्लोजिंग हुई है, डायरेक्ट सपोर्ट आता है 32-49 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 34-99 का। तो याद रखना इस रेंज में जो है अगर आपको दिसंबर के मंथ में घूमते हुए देखने मिले 32-49 से 34-99 के रेंज में, बिल्कुल भी आप यहाँ पे ट्रेड ना करें। क्यों? क्योंकि ये इस एरिया को हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इस रेंज में आपको बिल्कुल भी जो ट्रेड नहीं करना चाहिए, जब तक स्टॉक जो है दोनों में से किसी भी एक साइड को जो क्रॉस ना करे उससे पहले यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रेड ना ले। बाकी यहाँ पे जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है, जरूर जो है आप उस वीडियो को देख ले, वहां पे मैंने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है और किस तरह से आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए चलना है उस बारे में हमने बात की है। वो जो है आपको इंट्राडे यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए जो हेल्प करेगा, तो यहाँ पे आपको जो है डिफरेंट टाइम पीरियड के बेसिस पे जो है आपको यहाँ पे जो है उसको यूज करना है, और यहाँ पे आपको जो समझना है किस तरह से आपको जो मूवमेंट आएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बारे में थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पे बता देता हूँ, क्या कौन सा सपोर्ट आता है, डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद क्या रेजिस्टेंस आता है वो भी आपको बता देता हूँ। तो डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 30-44 का, उसके बाद क्या 28-32 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 37-64 का, उसके बाद क्या 38-93 का। तो ये जो मैंने दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस बताया ये मंथली के बेसिस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जरूर जो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जो है यहाँ पे रिस्पेक्ट देते हुए अपना जो है ट्रेड भी ले, और उस बेसिस पे अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को भी जो मेंटेन करें। बाकी अगर मैं बात करूं मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन स्टॉक में यहाँ पे जो है दिसंबर के मंथ में यहाँ पे लास्ट फ्राइडे में जो है हमें स्टॉक में जरूर एक डाउनसाइड मूवमेंट जो देखने मिला। एक्सपेक्टेड है 30-44 से लेके 32-49 के रेंज में हमें क्लोजिंग भी देखने मिले, इसका मतलब स्टॉक हमें गिरते हुए देखने मिलेगा, और इस रेंज में क्लोजिंग भी जो है दिसंबर के मंथ में हमें जरूर देगा। 30-44 से लेके 32-49 के रेंज में क्लोजिंग देखने मिलेगी। यहाँ पे याद रखना नेगेटिव मूवमेंट जो है चल रहा है स्टॉक में डेली के बेसिस पे, मैंने आपको बता दिया ट्रेंड भी नेगेटिव हो चुकी है। तो यहाँ पे दिसंबर के मंथ में थोड़ा सा और जो है डाउनसाइड ना आए उस बारे में आपको जरूर ख्याल रखना है। 32-49 सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट यहाँ पे ले रहा है या नहीं ले रहा है उसको भी आप जरूर देखें। अगर यहाँ पे 32-49 का सपोर्ट लिया तो मूवमेंट जो है आपको कुछ नहीं देखने मिलेगा, यानी कि दिसंबर के मंथ में जो है नो ट्रेडिंग एरिया के रेंज में फिर घूमते हुए देखने मिलेगा आपको, मूवमेंट जरा सा भी यहाँ पे जो है नहीं आएगा ज्यादा, और यहाँ पे जो है एक साइडवेज जो है यहाँ पे हमारा आयशा मोटर्स जो चलते रहेगा। बाकी यहाँ पे मेरा ओपिनियन मैंने आपको कह दिया कि स्टॉक में डाउनसाइड मूवमेंट का यहाँ पे जो है हमारा एक्सपेक्टेशन है। आपको क्या लगता है यहाँ पे दिसंबर के जो है यहाँ पे मंथ में क्या हो सकता है, किस रेंज में स्टॉक जो है क्लोज हो सकता है, आप जरूर हमें कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।